हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो गए आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज पिथौरागढ़, और अभी रात के बजे 10, अभी मेरी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी लक्ष्मी नगर में पहुँचने वाली है। तो मैं हूँ वैशाली में, अभी मैं बस तैयार हो गई और लोग आने वाले हैं, तो अब मैं निकलती हूँ। बैग देखो, मेरा बैग तैयार है। जो भारी हो रहा है मेरा बैग, इसमें कपड़े हैं, सूट किसी और का है, कपड़े मैं भर के लेके जा रही हूँ। तो मैं निकलती हूँ रूम से, ठीक। तो गाइस, हम चले पिथौरागढ़ को। आरू दीदी ने आलू का कुटका हमारा आ गया, आलू की और वो जब मार था वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। गाइस जाम लग गया का, हम क्या करें का? तो गाइस सो जाओ का आदमा, ये तो सो गया। वाह, हम कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। शिवा ढाबा पे हैं। तो गाइस जब हम देखते कुछ खाने की चीज मिल जाती, तो शक्ल भी 12 बज गई वैसे भी हमारे, चलते हैं। 3 बजे हैं अभी, और 3:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है या डिनर हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। गाइस हम पहुंचे अभी चंपावत में, देख सकते हो यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और जो यहाँ पे नदी दिख रही है वो है शारदा नदी, और इसके पार है नेपाल, फिर यहाँ से महेंद्र नगर, यहाँ से फिर नेपाल शुरू हो जाता है। और व्यू तो काफी अच्छा है। नेपाल जाऊंगी मैं अपनी लाइफ में एक बार जरूर। गाइस यहाँ तक तो आ गई कहाँ मैं, अभी पता नहीं कहाँ पे पहुंचे हम, घाट भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मेरे को उल्टी जैसी आ रही, बहुत हालत खराब हो रही थी यार, क्या करूँ। कुछ भी कहो यार, अपना पिथौरागढ़ ना घूमने लायक है, बाय गॉड यार। अभी हम पिथौरागढ़ पहुँचे नहीं है चंपावत में, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह देख। मेरे को तो वक वक होने का मन कर रहा है, मैं कैसे जाऊँ। हम पहुँचे हैं गाइज अमोड़ी में, और मेरे को हो रही थी वक वक, बट अंकल ने मुझे कुछ जड़ी बूटी दी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे नहीं पता। फिर मैंने नींबू लिया, और वो लिए मैंने पल्स टॉफी ले रखी है 5, अभी देखते हैं। मतलब थोड़ा उसको खा के अच्छा सा फील हो रहा, मतलब उल्टी आने का मन नहीं करो खा के। और बाकी ये देखो हालत खराब हो गई थी, अभी आके 1.5 घंटे का और चलिए। ये भर रहा है पानी, अरे देर से तो हैंडपम्प ही नहीं चल रहा रे, छोड़ चला लेगा। चल ले जा, ले जा। बाप रे भाई, इतना तेरा वेट नहीं होगा जितना ये पानी है। गाइस फाइनली मैं गुरना माता मंदिर पे पहुंचने वाली हूँ। देखो मैं पहुंचने वाली हूँ, मतलब पहुंचने वाली क्या हूँ, मैं पहुंच गई, फाइनली मैं पहुंच गई। तो गाइस मैंने माता जी के दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है, गाड़ी में ना उसकी तबीयत खराब हो रही, तो मैं निकलती हूँ, जल्दी आएंगे माता आपके दरबार में। उल्टी से हालत खराब आरू दीदी की, देख सकते हैं हमारा पिथौरागढ़ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। 1 बजे हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे गाइज, और हम सो गए उसका, हमने सोचा ना थोड़ा सो जाते हैं, मतलब 10-15 मिनट सो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लंच करेंगे। बट हम लोग की नींद सीधे खुल रही है 5:30 बजे। अब आरू दीदी क्या बोल, हमें नहीं सोना चाहिए था यार, रात को क्या करेंगे हम यार। तो अब हम जाते हैं खाने, सोना जरूरी था क्योंकि कल सुबह का शूट है। पर खैर ठीक है, हमारा कल का कोई काम है नहीं, तो अगर हम जंगल में सो भी जाएंगे कहीं कोने में जाएंगे, मैं तो ऐसी हूँ भी, कोई भी कोना देख के सो जाऊँ। हम चले घूमने, घूमने नहीं खाने, कुछ पेट पूजा भी करना। आपको ब्लॉगिंग खा रहेगी दीदी, भूल जाती बीच में, जब वो कभी कभी करते हैं। तो ये है पिथौरागढ़, शायद सिलथम है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं देख के बताती हूँ आपको, क्योंकि ये सिलथम ही हो सकता है। हमने सोचा यहाँ पे मार्केट होगा, बट हमें शौक लगा यहाँ पे फील्ड है, और हाँ तो जब हम आए थे तब बारिश आई थी, बट अभी बारिश नहीं आ रही, तो अब हम मार्केट को जा रहे हैं ऊपर को। तो गाइस हम पहुँच गए पिथौरागढ़ मार्केट में, और पिथौरागढ़ मार्केट में समझ नहीं आ रहा हम कहाँ को जाएं, इधर को जाएं कि इधर को जाएं, ऐसे होता जब फर्स्ट बार आते हैं। तो पहली बार हम पिथौरागढ़ आए हैं, पिथौरागढ़ होने के बाद भी ये आगे मैडम के चाउमीन, और ये इसके साथ सूप भी आया गाइस, चाउमीन 1 मंगाया था, सूप हमारे 4 आ गए।
ये आ गई इनकी मैगी और सबसे लेट रहेगी मैं, मेरे भटूरे नहीं आए हैं। चलो भटूरे ले लिया, सब पूछने में लगे। थैंक यू भैया, फाइनली मेरा भटूरा आ गया, छोला और भटूरा। भागो गाइज भागो, बरखा धार आ गई यहाँ। तो हम आए थे ऊपर गांधी चौक पे घूमने के लिए, मतलब कुछ खाना था हमें, लेकिन बट यहाँ भी बारिश आ गई, क्या करें, निकल जा रहे। बहुत तेज बारिश आ गई गाइज, बारिश में याद आ रहा गाना, पिथौरागढ़ शहर पहाड़ों का बीच मां, सजनी दरदगड़ा मैं हूँ लो साथ मां। तो अभी हम हैं गांधी चौक, भाई ठंडा हो रहा बहुत। फुफू कैसे हो आप, प्रणाम। हाँ हमारा छत कहाँ यार बताओ। क्या करे बताओ, क्या करे बताओ, उसमें कहाँ घूमे थे ऊपर, यहाँ पता नहीं कहाँ गए थे, ऊपर गए थे कहीं। हाँ हाँ ऐसे ऊपर पता नहीं। ये चिकन पकौड़ा है या मिर्च, हाँ वाह, लेकिन मेरा पिज्जा नहीं आया। नमकीन है उसमें, अरे नमकीन है। तो गाइस ये वो इंसान है जिसने मेरे को नट डिस्काउंट में दिलाई थी बेताल घाट से, और वो नट एक यहाँ से टूट भी गई पता नहीं है। दोस्तों के साथ और मम्मी के पास चल ठीक है यार, तू एक काम कर, बात तैयार हो, चल आगे बात वो कर दूं, चाहे जो भी है हम है तेरे साथ जाएंगे ना, क्योंकि गाइस रात के बज चुके हैं 10। अभी हम खाना खा रहे, देखो हमारा खाना जो है रूम पे है, क्योंकि हमने नीचे नहीं खाया, क्योंकि हमें उस टाइम पे भूख थी और लोगों ने 8 बजे खा लिया था। आरो दीदी और मैं भी खा रहे हैं। अभी हमारा आया दाल चावल रोटी सब्जी और चटनी, तो क्या टेस्ट बनाई यार, बाय गॉड, घर की अलग ही बाय गॉड। तो हम डिनर करते हैं, आप लोग भी खाओ पियो मस्त रहो। ओके बाबा, मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, कल सूट है, ठीक है, बाय।